सुनो भाई लोग, बहुत हो चुकी हैं ये छोटी मोटी चोरियां। अब समय आ गया है कुछ बड़ा करने का। पर बॉस, और बड़ा क्या करें, बैंक लूटें अब। हाँ सही कहा, अब समय आ गया है कुछ बड़ा करने का। अब हम एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। तो बॉस, शहर में दो बैंक्स हैं, हम कौन से वाले को लूटें? तुम लोग चिंता मत करो, मैंने पूरा प्लान बना लिया है कैसे क्या करना है। ओके बॉस, वी आर रेडी। ठीक है सुनो, हम शाम के टाइम बैंक लूटेंगे, क्योंकि शाम के टाइम पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और बैंक का मैनेजर जाते टाइम सारा कैश बैंक में रख के जाता है। ठीक है बॉस, लेट्स गो। चलो सब तैयार हो जाओ, सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास, सिर्फ 1 घंटा। सब लोग अपने हाथ ऊपर करो, जो जहां पे खड़ा है वहीं पे ही खड़ा रहेगा, कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। कहा है तुम्हारा मैनेजर, बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ। मैं हूं मैनेजर, कौन हो तुम लोग? रुको, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अबे ओ मैनेजर, ज्यादा होशियारी की ना, तेरा भेजेगा तरबूज सा बना देंगे। चल जा रहे, सारा कैश बैग में डाल कर ला जल्दी, और कोई होशियारी मत करना। चलो सब गाड़ी में बैठो और जल्दी निकलो यहाँ से। जल्दी फोन करो पुलिस को। हेलो पुलिस स्टेशन सर, मैं यश नया शहर के बैंक ऑफ पबजी से बात कर रहा हूँ। यहाँ अभी अभी चोरी हुई है, 3 गुंडे गन्स के साथ आए और सारा कैश लेकर भाग गए। ठीक है, हम अभी पूछते हैं। मैनेजर को बुलाओ जल्दी। हेलो सर, मैं ही मैनेजर हूँ इस बैंक का। तो मैनेजर साहब, बताइए क्या हुआ था यहाँ पे? सर वो गुंडे गाड़ी से आए, पहले उन्होंने गार्ड को मार दिया, फिर अंदर घुस आए और सारा कैश लूट कर चले गए। अच्छा, कौन सी गाड़ी में भागे हैं वो? सर वो रेड और ब्लैक कलर की डाशिया में आए थे। आपने उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया? सर उनकी गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। अच्छा, तो यहाँ के सीसीटीवी फुटेज दिखाओ हमें। जी सर, अंदर आइए दिखाता हूँ। अरे सर, ये तो वही डासिया है जिसकी आज हमको सुबह चोरी होने की रिपोर्ट मिली थी। इसके मालिक ने कहा था कि इसकी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है और पुलिस इसको बहुत जल्दी ढूंढ निकालेगी। मैनेजर साहब, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। इस गाड़ी पर जीपीएस लगा है और पुलिस इसको 24 घंटे से पहले ट्रैक करके पकड़ लेगी। ओके सर, ठीक है। अभी हम चलते हैं। हवलदार, उस चोरी की गाड़ी और उन गुंडों का कुछ पता चला? जी सर, अभी अभी रिपोर्ट आई है, उन गुंडों को रोजो के पास भी देखा गया था उसी गाड़ी के साथ, और वो लोग नदी की तरफ जा रहे थे। और जीपीएस की लोकेशन भी ट्रैक हुई है, गाड़ी की लास्ट लोकेशन रुइंस के पास वाली नदी के पास से आई है। तो चलो, जहाँ पे जीपीएस की लास्ट लोकेशन आई है वहाँ पे चलते हैं और कुछ छानबीन करते हैं, शायद कुछ मिल जाए।
और अपने साथ अपनी गन ले लेना, वहाँ पे खतरा भी हो सकता है। ये देखो हवलदार, ये तो वही गाड़ी है जिसको हमने सीसीटीवी में देखा था और जिसकी चोरी की रिपोर्ट भी आई है। सर, यह गाड़ी तो है पर कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, गाड़ी में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना ही आसपास दिखाई दे रहा। कोई नहीं, यहाँ पे छानबीन करो, आसपास देखो कुछ मिलता है क्या। सर वो देखा, वो इसमें कुछ टूटे फूटे घर है, कई गुंडे वहां छुप कर तो नहीं बैठे। हो सकता है, चलो चल के देखते हैं, उनकी पूरी गैंग हो सकती है वहाँ पे। लेकिन हम सिर्फ 3 ही लोग हैं, हमारे लिए बैकअप फोर्स लेके आओ। जाओ ड्राइवर, जल्दी जाओ। चलो हवलदार, हम पहाड़ी पे चलते हैं। सर ये तो वही लोग हैं जिनको हमने सीसीटीवी में देखा था जो बैग लूट कर भागे थे। हाँ हाँ हवलदार, सही कहा, ये तो वही तीनों हैं। पहले इन्होंने गाड़ी चुराई और फिर बैंक लूटा, और पता नहीं वो चोरी वाली गाड़ी कहाँ पे छुपा रखी है इन्होंने। चलो पकड़ते हैं इनको। जी सर, चलिए। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम लोग पकड़े जा चुके हो। अगर भागने की कोशिश की या कुछ चालाकी करने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। अगर तुमने भी भागने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बैठे रहो यहाँ पे और हिलना मत। इंस्पेक्टर, तूने सबसे बड़ी गलती कर दिया मेरे बंदे को मारकर, अब तू नहीं बचने वाला। अबे तुझ जैसे गुंडों का रोज एनकाउंटर करता हूँ मैं, तुझ जैसे गुंडे बहुत मारे हैं मैंने। मारा होगा पर तेरा पाला कभी हमसे नहीं पड़ा। रुक, अभी बॉस को फोन करके बुलाता हूँ। हाँ बुला ना, बुला, ये ले फोन, बुला और बोल तेरा बाप आए यहाँ पे। हेलो बॉस, हमारे अड्डे पे 2 पुलिस वाले आए हैं और उनने हमारे एक बंदे को भी मार दिया है, जल्दी आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आने दो उसको, देखते हैं यहाँ पे। जाओ हवलदार, गन लेके आओ। क्यों बे इंस्पेक्टर, ज्यादा चर्बी चढ़ी है तेरे को, मेरे आदमी को पकड़ेगा। बॉस यह वो इंस्पेक्टर जिसने हमारे एक आदमी को मारा है। हाँ हाँ मैंने ही मारा है,
और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तुम लोगों को भी खत्म कर देंगे। अच्छा सुनो, सब लोग डाल लो इनको गाड़ी में और चलो मेरे साथ। हाँ हाँ अब बोल इंस्पेक्टर, पर निकल गई सारी हवा। तब तो बड़ा बोल रहा था ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सुनो सब लोग यहाँ पर आओ, एक जरूरी काम आया है। जाओ सब लोग, मुझे ये काम एक घंटे के अंदर पूरा चाहिए। जी बॉस। सर अब तुम यहाँ फंस गए, वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम चिंता मत करो हवलदार, ये शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। ये मेरा फ़ोन लेना भूल गए, अभी पुलिस स्टेशन पर मैसेज कर देता हूँ मैं, वो जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। सर इंस्पेक्टर साहब का मैसेज मिला है, उनको किडनैप कर लिया गया है और उनको किसी ब्रिज के नीचे छुपा कर रखा गया है। ठीक है जल्दी से जल्दी गाड़ी निकालो, हमको जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। और इंस्पेक्टर का फ़ोन ट्रेस करो, जहाँ की भी लोकेशन मिले हमको तुरंत इन्फॉर्म करो। चलो जल्दी से जल्दी चलो। सर हमारी बैकअप फोर्स रुइंस की नदी की तरफ भी निकल चुकी है, मैं उनको वापस बुला लेता हूँ। ये देखिए बॉस, इस पुलिस वाले ने किसी को फोन या मैसेज करा है, इसके पास मोबाइल पड़ा हुआ है। क्यों इंस्पेक्टर, लगता है तुझे देश की सेवा का भूत सवार है। रुक जा अभी उतारता हूं। सुनो रे, इसके हवलदार को जरा पानी का स्वाद चखाओ। इंस्पेक्टर को जिंदा रखना पड़ेगा क्योंकि अभी इसने बहुत कुछ देखना है। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन हवलदार को जाने दो, इसने कुछ नहीं किया, मैंने ही तुम्हारे आदमी को मारा था। ए चुपचाप बैठा रहा। अब हिसाब पूरा हुआ, इसने हमारे एक आदमी को मारा और हमने इसके एक। बॉस पुलिस की गाड़ी आ रही है, जल्दी से जल्दी निकलना होगा हमें।
चलो सभी निकलो यहां से, पुलिस वालों की गाड़ी आ रही है, इस पुलिस वालों को भी गाड़ी में डालो और निकलो यहां से। ड्राइवर जल्दी गाड़ी भगाओ, उनकी गाड़ी के पास ले चलो, वो जाने ना पाए आज। Thank God that the brothers on the rise now. Celebrations all in my house. Now I'm super duper fly now. ड्राइवर, मैंने उनकी गाड़ी में पंचर कर दिया है, अब वो भाग नहीं पाएंगे। अब भागकर दिखाओ कहां भागोगे। तुम दोनों को तो पकड़ लिया, अब तुम्हारे बॉस की बारी है। बता कहां भागा है वो, जल्दी बताओ, नहीं तो यही मार देंगे दोनों को। हाँ ले चलो इनको जेल में। सर प्लीज सर, बताता हूँ सर, हमारा बॉस आपके इंस्पेक्टर को एयरपोर्ट लेके गया है, वहां से फिर वो उसको बाहर लेकर जाएगा। सर बस और मत मारता सर, बता दिया जितना पता था। अच्छा हवलदार, मार दो एक को, और एक के बदले में हम इंस्पेक्टर को लेंगे इसके बॉस से। जल्दी से एयरपोर्ट चलते हैं, कहीं वो पुलिस वाले यहाँ भी ना पहुंच जाएं। बॉस हम एरोप्लेन से बाहर निकल जाते हैं, फिर वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। चिंता मत करो, अभी हमें यहाँ से जाना ही है, एयरपोर्ट पर एयरप्लेन तैयार खड़ा है। मगर बॉस हमारी एक गाड़ी के पीछे पुलिस वाले गए हैं, मुझे लगता है वो उन्हें पकड़ लेंगे। तुम चिंता मत करो, पकड़ भी लिया तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा क्यों बॉस? क्योंकि ये इंस्पेक्टर हमारे कब्जे में है, जब तक वो उनको कुछ नहीं करेंगे। बॉस पहुंच गए एयरपोर्ट। अब सब लोग इस एयरप्लेन में बैठो और इस इंस्पेक्टर को भी डाल दो किसी कोने में। ओके बॉस। बॉस मैंने गाड़ियों का इंतजाम कर दिया है, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तब तक इस पुलिस वाले से पुलिस स्टेशन फोन करवा कर कहो कि अगर इंस्पेक्टर जिंदा चाहिए तो हमारी लोकेशन पर आ जाओ बिना किसी हथियार के, और साथ में हमारे आदमियों को लेकर आना। ओके बॉस।
सर उन गुंडों का फोन आया है, वह लोग इंस्पेक्टर साहब को लेकर मीरामार चले गए हैं और बोला है कि इंस्पेक्टर जिंदा चाहिए तो हमारे आदमी को लेकर आ जाओ। ठीक है, उन्होंने कहाँ आने को कहा है? सर वो मीरामार में है और उन्होंने अपनी लोकेशन सेंड की है। ठीक है, चलो जाने की तैयारी करो और जो गुंडा हमने अभी पकड़ा है इससे पूछो कि इसने बैंक रोबरी की सारी यूसी कहाँ पे छुपाई है, उसे पूछ के सारी यूसी को ढूंढो और उस बैंक के मैनेजर को लौटा दो। फिर वो जो चोरी वाली गाड़ी थी जो हमें नदी के पास मिली थी उसके मालिक तक उस गाड़ी को पहुँचा दो या उसको इन्फॉर्म कर दो कि उन गाड़ी मिल चुकी है और वो ले जाए। क्यों रे इंस्पेक्टर, लगता है तेरे डिपार्टमेंट वालों को तो जिंदा नहीं चाहिए, अभी तक आए नहीं वो। बॉस वो देखो एक गाड़ी आ रही है, उसमें पुलिस वाले बैठा और हमारा एक आदमी भी है। ठीक है आने दो, अपनी बंदूकें तैयार कर लो, अगर वो कुछ भी चालाकी करे तो मार देना। तुमने जैसा कहा था हम पहुंच गए बिना हथियार के, अब इंस्पेक्टर साहब को हमें दे दो और तुम्हारा आदमी ले लो। हवलदार जाने दो इनके आदमी को। छोड़ दो इंस्पेक्टर को, जाने दो। जाओ अब निकलो यहां से और वापस मुड़कर देखा ना तो जान से जाओगे सारे। बॉस आपने उनको ऐसे ही क्यों जाने दिया? तुमको नहीं पता ये पुलिस वाले बहुत चालाक हैं, ये बैकअप के लिए स्नाइपर्स लेकर आए हैं, पहाड़ी पर नहीं देखा तुम लोगों ने? अगर हम इन्हें मारते तो वो हमें मार देते, इसीलिए नो रिस्क। अब निकलो चलो यहां से, कहीं वे कुछ और प्लान ना कर लें। अब ऑपरेशन का समय आ चुका है, सभी ऑफिसर्स तैयार हो जाओ, अपनी गन्स तैयार कर लो, अभी इनकी पूरी गैंग का खात्मा करना होगा ताकि ऐसा काम आगे कोई ना कर सके, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए इनमें से। गो 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 गो, गो।